हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनिमे पैरासाइट। आज मैं आपके सामने वॉर एक्स लव जैपनीज एनिमे के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के सीन में मासुमी एड की शूटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। शूटिंग खत्म होने के बाद मासुमी सबको थैंक्स बोलती है। उसके हम्बल बिहेवियर से सभी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। यहाँ पर मासुमी नारी होती है। उसकी नज़र वहाँ पर रखे एक बुक पर जाती है जिसमें कि डेट फूड का एड दिया होता है। बोलती है, इन दिनों काफी ज्यादा बिजी होने की वजह से मैं आकुशु को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही, उसे देख भी नहीं पा रही हूँ। मैं उन लोगों से बहुत जेलस हूँ कि उन्हें उनके साथ एक डेट पर जाने का मौका मिला। नेक्स्ट सीन में नासुकी आकुमा से फाइट करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं आकुशु डर कर इधर उधर भाग रहा होता है। यहाँ पर सिस्टर्स एक साथ फूड स्टॉल पर दिख रहे हैं। एक सिस्टर बताती है, आज एक डीमन सुमाउंड हुआ है जैसा कि फादर के ऑरकल ने अनुमान लगाया था, पर अब यहाँ से इसके बाद क्या होगा कौन जाने। यहाँ तक कि मीडगार्ड से गॉड्स भी अगर नीचे आ रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें इंसान रूप लेना होगा। इसके बाद भी वो सिर्फ लेवल 1 की एबिलिटी यूज कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं नासुकी और इसियो ही अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। इसियो जवाब देती है, लगता है उसे शुरू करने का समय आ गया है। वॉल लव डेट एक आइडल के साथ। इस सीन में आकुशु मासुमी के साथ कैफे आया होता है। आकुशु के साथ कैफे आकर मासुमी बहुत ज्यादा खुश होती है। मन में कहती है, मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा जो उन्होंने बनाया है, जो कि मासुमी वॉल एक्स लव आइडल डेट पर आई होती है। साथ ही वो एक सेलिब्रिटी भी थी तो वो अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक कैप पहनी होती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, वरना ये डेट एक स्कैंडल बन जाएगा। मन में कहती है, अगर मैं इस डेट पर जाने के बाद घर जा सकी और कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा तो ही ये डेट सक्सेसफुल होगी। कि तभी उसकी नज़र पीछे बैठे यमादा पर जाती है जो कि खुद को मासुमी का फ्रेंड बता रहा था। उसके साथ आए लड़के को आगे बताता है, हमने अपना नंबर भी एक्सचेंज किया है। मासुमी यमादा की बातों को सुनकर मन में बोलती है, ये लड़का जरूर आकुशु की क्लास में होगा। आकुशु धीरे से पूछता है, क्या तुम यमादा की फ्रेंड हो। रिप्लाई में कहती है, मैंने शायद उससे एक बार बात किया है। इसके बाद यमादा का फ्रेंड आकुशु के बारे में बोलता है, वो भी तो तुम्हारे ही एकेडमी में है ना। वो 50 लोगों के मर्डर के साथ साथ कई इंसिडेंट का जिम्मेदार था और उसके पेरेंट्स भाग गए क्योंकि वे एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। उनकी बातों को सुनकर मासुमी पूछती है, क्या सच में तुम्हारे पेरेंट्स क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। बताता है, वो सिर्फ एक ऑफिस वर्कर थे। यमादा उस लड़के को कहता है, वो आकुमा हमेशा मुझे खिड़की से बाहर फेंक देता है। जैसे ही पीछे सर करता है आकुशु को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और खिड़की से एक बार फिर कूद जाता है। उस कैफे में मौजूद सभी लोग बातें करने लगते हैं। उस बड़े लड़के ने एक लड़के को खिड़की से फेंक दिया, कितना खतरनाक है। उनकी बातों को सुनकर मासुमी आकुशु की साइड लेती है। वहीं आकुशु स्माइल के साथ बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे अब इसकी आदत है। इसके बाद उसे चलने के लिए कहता है। मासुमी मन में कहती है, सबका ध्यान आकुशु पर है इसीलिए किसी ने मुझे नहीं पहचाना, पर उसे काफी बुरा लग रहा होगा। वैसे भी मुझे आज उसे एक अच्छी यादें देनी थी। इसके बाद फुल एनर्जी के साथ कहती है, चलो आज मजे करते हैं, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहते हो। इसके बाद वे दोनों लाइब्रेरी में आते हैं। आकुशु उसे बताता है, नेक्स्ट वीक नेशनल मॉक एग्जाम है इसीलिए मुझे पढ़ना है। लास्ट टाइम मेरे मार्क्स काफी कम आए थे इसीलिए इस बार पूरा दम लगाना होगा। मासुमी ये सुनकर रिप्लाई देती है, मैं तुम्हारा जोश देखकर काफी एक्साइटेड हूँ। जब मैं एक बच्ची थी मुझ पर एक डरावने आकुमा ने अटैक किया था, इसके बाद से मैंने अपना कॉन्फिडेंट खो दिया था। मुझे और इसियो को नासुकी ने बचाया था। इसियो का नाम सुनकर वो चौंक जाता है। आगे बताती है, अब ये अजीब लगेगा पर पहले वाली इसियो नासुकी पर डिपेंड थी। वहीं दूसरी तरफ घर पर इसियो को छींक आती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो नासुकी को पढ़ा रही थी। नासुकी मजाक उड़ाते हुए पूछती है, क्या तुम अब खुद से सो सकती हो। इसियो चिढ़कर रिप्लाई देती है, तुम हमेशा पुरानी बातें करती रहती हो, क्या अपनी बड़ी बहन से कोई ऐसे बात करता है। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। बड़ी बहन वहाँ पर आकर उन्हें डांटती है। यहाँ पर मासुमी आकुशु को बताती है, मैं ना चाहते हुए भी एक आइडल बन गई। रिप्लाई देता है, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता जहाँ मुझे इतने सारे लोगों से जुड़ना पड़े। कहती है, पर अब मुझे खुशी है कि मैं एक आइडल बनी हूँ। मेरे फैंस के सपोर्ट से मेरा कॉन्फिडेंट वापस आ गया है और अब मैं समझ गई हूँ कि हमेशा सब पर बोझ बनकर नहीं रह सकती, मुझे अपनी फैमिली के लिए हार्ड वर्क करनी होगी। आकुशु को अपने बचपन का सीन याद आता है जब उसकी मॉम बीमार थी। इसके
बाद वो बुक खरीदने के लिए चला जाता है। मासूमी बोलती है, वो उसी आकुमा की तरह लग रहा था जिसने बचपन में मुझ पर अटैक किया था। पहले मैं कितना डरती थी, पर अब जब भी आकुसु को देखती हूँ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। आकुसु के आने के बाद उससे पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, बताता है। मैं घर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, चौंकते हुए रिप्लाई देती है। तुम्हें कभी कभी पढ़ाई से भी ब्रेक लेना चाहिए, रिप्लाई देता है। मैं यहाँ पर अब नहीं रुकना चाहता, सैड होकर मन में कहती है, ये मेरे साथ समय बिताना नहीं चाहता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं उनके स्कूल का लड़का इनुकाई उन्हें देख रहा होता है। डरावना सा फेस बनाकर बोलता है, लग रहा है वो दोनों डेट पर आए हैं और ये उसी राक्षस लवर के साथ है। कुछ भी हो वो लड़की बहुत ही हेल्दी है, मैं उसे चबा चबा के खाना चाहता हूँ। दरअसल ये एक राक्षस होता है। वहीं पास खड़ी दो लेडी इनुकाई के बिहेवियर को देखकर बोलती है, ये किसको ऐसे देख रहा है। उसी समय क्यूट सी स्माइल के साथ उन्हें पूछता है कि आप दोनों सीट ढूंढ रही है। वो लेडीज उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इनुकाई उनके पास जाकर डेट के बारे में पूछने की सोचता है क्योंकि ज्यादा लेवल अप होने पर उसे प्रॉब्लम होने वाली थी। इसके बाद वो अपने हाथ में एक लाल कलर की चीज को रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ मासूमी बोलती है, देखो वो लोग रोड पर एक लाइव शो कर रहे हैं, चलो देखने चलते हैं। कि तभी एक अजीब सा चीज अनाउंसमेंट करता है, एडल मासूमी यहाँ पर है। सभी लोग चारों तरफ मासूमी को ढूंढने लगते हैं। मासूमी उस हॉर्न को देखकर बोलती है, ये तो एक लो लेवल अकुमा है जिसके पास फाइट करने की एबिलिटी नहीं है, उसके पास लोगों को गुस्सा दिलाने और हंगामा मचाने की पावर है। आकुसु चौंकते हुए कहता है, एक गॉसिप लवर अकुमा। मासूमी मन में बोलती है, बस एक हलचल की वजह से वॉलेक्स लव डेट फेल हो जाएगा, अगर लोगों ने मुझे पहचान लिया तो आज की डेट पक्का फेल होगी, मैं क्या करूं। आकुसु भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। इसके बाद मासूमी का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। वहीं वो हॉर्न लोगों को बताता है कि मासूमी भाग रही है। दो लड़के उन्हें ढूंढते हुए बोलते हैं, क्या वो किसी लड़के के साथ थी, मैं उस लड़के को मार दूंगा। मासूमी सैड होकर बोलती है, ये पक्का है कि आज का दिन बुरा होने वाला है। आकुसु का इस तरह मेरा हाथ पकड़ना मुझे थोड़ा एक्साइटेड कर रहा है। इसके बाद वे एक रूम में जाते हैं। वहीं वे दोनों आदमी उनको फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए थे। उनके आने की आवाज सुनकर आकुसु काफी ज्यादा डर गया था, पर वहाँ उन लोगों को वे दोनों नहीं मिलते। एक आदमी उस हॉर्न पर चिल्लाते हुए पूछता है, क्या सच में वो मासूमी थी। जैसा कि हम देख सकते हैं वे दोनों वहीं पर रखे एक अलमारी में छुपे होते। मासूमी इंजॉय करते हुए बोलती है, मैं आकुसु के बहुत करीब हूँ। वहीं दूसरी तरफ बाहर उसके फैंस अभी तक जगह की तलाशी ले रहे थे। एक फैन बोलता है, मुझे पक्का यकीन है कि वो सामने के डोर से आएगी। वहीं अलमारी के अंदर मासूमी पूछती है, आकुसु तुम्हें बुरा तो नहीं फील हो रहा है ना। जवाब देता है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद मन में बोलती है, अगर आकुसु एक बुरा आदमी होता तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। आकुसु पूछता है, तुम्हें क्या लगता है हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। उसे सैर देखकर मन में बोलता है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, वो निराश लग रही है। मासूमी उसे बताती है, मेरे पास एक आइडिया है, ये मेरे स्क्रेड स्वॉर्ड विंग लेवल पर डिपेंड करता है, मेरी फाइटिंग एबिलिटी को बढ़ाना मुमकिन है। अभी मैं लो लेवल पर हूँ, पर हम कम से कम बाहर के लोगों से बचकर निकल सकते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो। ये सुनकर आकुसु हैरान होता है, वो उसकी बात मान जाता है। खुश होकर मन में बोलती है, मैं भी फाइनली आकुसु को किस कर सकती हूँ, ये मेरी फर्स्ट किस है। इसके बाद आकुसु को नीचे झुकने को कहती है ताकि वो उसे किस कर पाए। वहीं बाहर मासूमी के फ्रेंड्स अभी तक उसे ढूंढ रहे होते हैं। आकुसु काफी ज्यादा डर जाता है। मासूमी उसे कहती है, क्या तुम अपनी शर्ट का बटन खोल सकते हो। कि तभी वो हॉर्न जोरों से बोलता है, मासूमी चांद इसके अंदर है। एक आदमी हॉर्न को मारकर कहता है, क्या तुम इतना ही बोल सकते हो। हॉर्न जवाब देता है, मेरा ध्यान उन पर से डाइवर्ट हो गया था, पर वो यही कहीं आसपास है। हॉर्न की बात सुनकर वो आदमी अपने साथी से पूछता है, तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हें वो कहीं नहीं दिखाई दी। रिप्लाई देता है, मैंने एक लड़की को भागते हुए देखा था, उसका अट्रैक्टिव फिगर वो मासूमी ही हो सकती है, अगर उसके साथ वाला वो बंदा उसका बीएफ होगा तो खून खराबा होकर ही रहेगा। वहीं मासूमी अलमारी के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रही है। मासूमी मन में कहती है, अगर हम लिप किस करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत हो जाएगा, लेकिन हम लिप किस से जितनी दूर किस करने जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन होने में उतना ही टाइम लगेगा। इसके बाद मासूमी आकुसु के चेस्ट पर किस करने लगती है। वो इस तरह का रिएक्शन देता है और मन में कहता है, गर्मी में ये करने से मेरा दिमाग घूम रहा है। मासूमी को झटका लगता है क्योंकि वो उसके पैरों को दबा रहा होता है। वहीं मासूमी को उसके रिएक्शन से लगता है कि वो उसे और फोकस के साथ किस करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। इसके बाद वो फिर से किस करने लगती है। वहीं आकुसु उसके पैरों को और जोरों से दबा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस था। बाहर उन आदमियों की नजर अलमारी पर जाती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि मासूमी वहीं छुपी है। आकुसु पकड़े जाने के डर से कांपने लगता है और कहता है, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। मासूमी उसे बोलती है, अब सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं, शांत हो जाओ। साथ ही मन में कहती है, उसने आज मेरी काफी
हेल्प किए। चाहता तो वो मुझे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग सकता था, पर उसने मुझे बचाया। ऐसा लगता है कि मुझे आकुस्तु से प्यार हो गया। वहीं बाहर सारे फैंस उस अलमारी के करीब आ रहे थे। अभी भी मासूमी का लेवल अप होने के लिए 10 सेकंड बचे थे। वे दोनों बहुत डरे दिख रहे हैं। जैसे ही एक बंदा अलमारी का डोर खोलता है, एक रोशनी दिखाई देती है। हॉर्न के ऊपर स्वार से अटैक होता है। जोड़ों की आंधी और तेज रोशनी देखकर सारे फैंस चीखने लगते हैं। अलमारी का डोर खोलने पर उन्हें वो अलमारी खाली मिलता है। मासूमी का लेवल अप हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इस सीन में आकुसु खुद को हवा में देखकर घबराने लगता है। मासूमी वॉल्केरियस के फॉर्म में उसके पास आकर बोलती है, सब ठीक है, रिलैक्स रहो, हम उड़ सकते हैं, मेरे पास विंग्स है। हंसते हुए मन में बोलती है, ऐसा लगता है कि हमारी डेट सक्सेसफुल रही है, पर मैंने आज आकुसु को बुरी यादें दी। आकुसु उसे बताता है, बहुत पहले मैं मॉम के साथ यहाँ पर खेलने आता था और छत से सनसेट देखकर दिन खत्म करते थे। आकुसु यहाँ पर काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है। इस सीन में इचिका को फुतुबा बताती है, अब हम डेटिंग पर फोकस कर सकते हैं। थैंक्स। वैसे क्या आप कैंपस फेस्टिवल में आ सकती हैं? इचिका रिप्लाई देती है, मुझे उस कमजोर की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपने सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हिस्सा लूंगी। तुम लोग अलर्ट रहना, मुझे खतरा महसूस हुआ था। नेक्स्ट सीन में इनुकाई बोलता है, तो उनका बॉडीगार्ड है जो उन पर नजर रख रही थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उनका बॉडीगार्ड इचिका होती है। आगे कहता है, अच्छा हुआ मैं खुद उनके पास नहीं गया। एक लड़की उसे कहती है, तुम कब तक ऐसे ही रेस्ट करते रहोगे? क्या तुम्हें अपने मिशन की जरा सी भी परवाह है? उन वॉल्केरियस को जल्दी से खत्म क्यों नहीं करते हो? रिप्लाई देता है, जल्द ही कैंपस फेस्टिवल आने वाला है, मैं उन्हें वहाँ पर चबा के खाऊंगा। सीन यहीं पर कट होता है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें।